हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नो साइलेंटस्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की। जो भी कंप्यूटर साइंस का जो भी प्रोजेक्ट है, उसमें जो प्रोजेक्ट सबमिशन होता है फाइनल ईयर का, तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सबमिट करना पड़ता है। हमें एक PPT में प्रेजेंटेशन देना पड़ता है और एक डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी सबमिट करना पड़ता है, और साथ में जो अपना प्रोजेक्ट है उसको रन करके हमें उसको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन है उसको कैसे क्रिएट करें स्टेप बाय स्टेप, तो दोस्तों आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखेगा दोस्तों। उसमें जो 5 चैप्टर है वो मेन है। उसमें जो पहला होगा वो होगा प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, तो थर्ड नंबर पे आता है वो होगा सिस्टम डिजाइनिंग, और फोर्थ नंबर पे है वो है इम्प्लीमेंटेशन, और जो 5th नंबर पे है वो है कंक्लूजन। तो उसमें से हम जो 5 चैप्टर है उससे पहले जो डॉक्यूमेंट के इंट्रो के जो कुछ पेज है उसको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम वीडियो में आज जो हमारा पहला डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो है उसमें हम जो डॉक्यूमेंट के इंट्रो के जो भी पेज है फर्स्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें दोस्तों पहला है होगा रिपोर्ट पेज, यानी कि ऐसा जो आप देख सकते हैं जो राइट साइड एक जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट पेज बना हुआ है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन जो स्टार्ट करें उससे पहले आपका जो एक कॉलेज का नेम वाला, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम वाला और डिटेल वाला एक आपको रिपोर्ट पेज है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो SI रिपोर्ट पेज है उसको क्रिएट करना पड़ता है। बस इसमें सिर्फ आपका नेम और जो कॉलेज का नेम, जो अपना प्रोजेक्ट का नेम है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है होम सर्वर पेज, तो उसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका अपनी आपकी जो भी कॉलेज है उसका एक जो होम सर्वर पेज है ऐसा जो आप देख रहे हैं, जो ऐसा आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बस इसमें से आपको नेम और कॉलेज नेम और अपना नेम है उसको चेंज कर देना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो एक्नॉलेजमेंट पेज, आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें जो थर्ड नंबर में एक्नॉलेजमेंट पेज है उसको क्रिएट करना पड़ता है। उसमें जो सारी आप डिटेल देख रहे हैं उसको आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करें तो है टेबल ऑफ कंटेंट। आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट किया है तो उसमें जो भी आपकी टेबल ऑफ कंटेंट है, जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसके अंदर 1.1 यानी कि बैकग्राउंड, ये सब पॉइंट वाइज जितने भी आपने लिए हैं टॉपिक्स, यानी कि मान लो जो इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसमें आता है बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, पर्पज, स्कोप ऑफ सिस्टम, आपने जितने भी चाहे लिए तो उसकी सारी टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनानी पड़ेगी। 1 से लेके 5 पेज तक आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो टेबल ऑफ फिगर। दोस्तों टेबल ऑफ फिगर में क्या है, तो डिटेल में जो भी पार्ट्स है, मान लो सपोज जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो उसमें कितने पेज में कौन सी डिटेल्स है, पेज वाइज डिटेल्स, और जो मान लो उसके जो सिंटेक्स है, जो पूरी डिटेल है, सीरीज है, उसका भी आपका नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो सिस्टम डिज़ाइन है वो जो सारी डिटेल है वो टेबल ऑफ फिगर में आती है। तो यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन का इंट्रो वाले पेज है 5 या 6 पेज में, दोस्तों आपको 5 या 6 पेज में इसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और ये जो क्रिएट हो जाए उसके बाद हम जो इंट्रोडक्शन वाला जो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन का जो भी चैप्टर है उसको कैसे क्रिएट करें वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंटस्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंटस्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।